दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का राज्य ओडिशा एंड पाकिस्तान का राज्य सिंध दोनों सिमिलर स्टेट्स हैं? क्योंकि ओडिशा एंड सिंध दोनों की ही पॉपुलेशन एंड जीडीपी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो दोस्तों, आज हम इंडियन स्टेट्स वर्सेस पाकिस्तानी स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, फिलहाल भारत पाकिस्तान से एरिया वाइज ऑलमोस्ट 3.5 गुना, पॉपुलेशन वाइज ऑलमोस्ट 6 गुना एंड जीडीपी वाइज ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो टेक्निकली ओवरऑल पाकिस्तान का कंपैरिजन ओवरऑल इंडिया से करना लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन हम दोनों ही देशों के स्टेट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, पाकिस्तान में फ़िलहाल 4 स्टेट्स हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तानी पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में आता है। दोस्तों, पहले सबसे एक्यूरेट फिनोमिना पॉपुलेशन एंड जीडीपी की बात करते हैं, जिससे हम किसी भी स्टेट की पोजीशन एंड उसके हालातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट पंजाब है, जिसकी आबादी 11 करोड़ है। दोस्तों, हम पाकिस्तानी पंजाब का कंपेरिजन महाराष्ट्र से भी कर सकते हैं एंड वेस्ट बंगाल से भी कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 12 करोड़ है एंड वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन 10 करोड़ के करीब है। पाकिस्तानी पंजाब पॉपुलेशन के मामले में इन दोनों राज्यों के बीच आता है, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब की जीडीपी 173 बिलियन डॉलर्स है, जबकि महाराष्ट्र की जीडीपी 420 बिलियन डॉलर्स एंड वेस्ट बंगाल की जीडीपी 180 बिलियन डॉलर्स है। यानी महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तानी पंजाब से 2.5 गुना बड़ी है, जबकि वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन पंजाब से कम होने के बावजूद भी उसकी जीडीपी पंजाब से करीबन 7 बिलियन डॉलर्स ज़्यादा है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य सिंध है। जैसे कि हमने पहले बताया कि सिंध एंड ओडिशा दोनों सिमिलर स्टेट्स है। सिंध की आबादी 4.78 करोड़ है एंड ओडिशा की आबादी 4.63 करोड़ है, जबकि सिंध की जीडीपी 78 बिलियन डॉलर्स है एंड ओडिशा की जीडीपी 76 बिलियन डॉलर्स है, जो काफ़ी हद तक सिमिलर है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि सिंध पाकिस्तान का सेकंड वेल्दीएस्ट स्टेट है एंड सिंध का कैपिटल कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है। अकेला कराची शहर ही सिंध राज्य की अराउंड 95% एंड पूरे पाकिस्तान की करीबन 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, जबकि ओडिशा भारत का 15वां सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला स्टेट है, जो भारत की टोटल जीडीपी में सिर्फ 3% का कंट्रीब्यूशन करता है। 3.55 करोड़ की आबादी वाले खैबर पख्तूनख्वा का कंपेरिजन हम आसाम एंड केरला दोनों से कर सकते हैं, क्योंकि आसाम एंड केरला दोनों की ही आबादी 3.56 करोड़ है। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा की जीडीपी सिर्फ 27 बिलियन डॉलर्स ही है, जबकि आसाम की जीडीपी 52 बिलियन डॉलर्स एंड केरला की जीडीपी 140 बिलियन डॉलर्स है। यानी खैबर पख्तूनख्वा की जीडीपी से आसाम की जीडीपी 2 गुना जबकि केरला की जीडीपी 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ तक कि अकेला बलूचिस्तान ही पूरे पाकिस्तान का 40% एरिया कवर करता है, लेकिन बलूचिस्तान की आबादी सिर्फ 1.23 करोड़ है, सभी 4 पाकिस्तानी स्टेट्स में सबसे कम। बलूचिस्तान की आबादी हमारे उत्तराखंड जितनी है, क्योंकि उत्तराखंड की आबादी 1.12 करोड़ है, बलूचिस्तान से थोड़ी कम। लेकिन बलूचिस्तान की जीडीपी सिर्फ 8.5 बिलियन डॉलर्स है, जबकि उत्तराखंड की जीडीपी 37 बिलियन डॉलर्स है, जो बलूचिस्तान की जीडीपी से 4 गुना से भी ज़्यादा है। एंड दोस्तों, अगर हम बलूचिस्तान एंड उत्तराखंड का एरिया वाइज कंपैरिजन करें, तो बलूचिस्तान एरिया वाइज उत्तराखंड से करीबन 6.5 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। चलिए दोस्तों, अब कुछ दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। लिटरेसी रेट, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला स्टेट है पंजाब, जहाँ के 65% लोग पढ़ लिख सकते हैं। सरप्राइजिंगली, लेटेस्ट डेटास के अनुसार भारत के सबसे कम लिटरेसी रेट वाले स्टेट आंध्र प्रदेश की लिटरेसी 66.4% है। यानी भारत के सबसे कम लिटरेसी रेट वाले स्टेट की लिटरेसी भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाले स्टेट पंजाब की लिटरेसी से ज़्यादा है। इट्स अ वेरी बिग इशू फॉर पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तानी स्टेट्स के ये लिटरेसी रेट के डेटास 2018 के हैं, तो मे बी करंट टाइम में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हो, लेकिन 2020 के भारत के डेटास के अनुसार भारत के सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाले स्टेट केरला की लिटरेसी बढ़कर 96.2% हो गई है। पाकिस्तान में पंजाब के अलावा सिंध की लिटरेसी रेट 62.2%,
खैबर पख्तूनख्वा की लिटरेसी 55.5% एंड सबसे कम लिटरेसी रेट वाले स्टेट बलूचिस्तान की लिटरेसी 55.3% है, जो भारतीय स्टेट्स की तुलना में बहुत कम है। तो लिटरेसी के मामले में तो इंडियन स्टेट्स एंड पाकिस्तानी स्टेट्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। दोस्तों बात करते हैं सेक्स रेशियो की, यानी प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला स्टेट खैबर पख्तूनख्वा है, जहां प्रति 1000 पुरुषों में 980 महिलाएं हैं। एंड एज वी ऑल नो, भारत में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो केरला में है। केरला में प्रति 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। दोस्तों केरला के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय एंड मणिपुर का सेक्स रेशियो भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाले स्टेट खैबर पख्तूनख्वा के सेक्स रेशियो से बेहतर है। उसी तरह पाकिस्तान में सबसे कम सेक्स रेशियो वाला स्टेट है बलूचिस्तान, जहां प्रति 1000 पुरुषों में सिर्फ 909 महिलाएं हैं, जबकि भारत के दिल्ली में सबसे कम सेक्स रेशियो है। दिल्ली में प्रति 1000 पुरुषों में सिर्फ 863 महिलाएं ही है। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब एंड सिक्किम का सेक्स रेशियो भी बलूचिस्तान से कम है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान का ओवरऑल सेक्स रेशियो 953 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, जो भारत के सेक्स रेशियो 924 फीमेल्स पर 1000 मेल्स की तुलना में बहुत बेहतर है। दोस्तों अब बात करते हैं HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा HDI वाला स्टेट है पंजाब, जहाँ का HDI 0.567 है। गाइज इस मामले में पाकिस्तानी स्टेट्स इंडियन स्टेट्स की तुलना में बहुत पीछे है, क्योंकि भारत में सबसे कम HDI वाले स्टेट बिहार का HDI 0.576 है। यानी फिर भारत के सबसे कम HDI वाले स्टेट का HDI भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा HDI वाले स्टेट के HDI से ज़्यादा है। पाकिस्तानी पंजाब के अलावा सिंध का 0.533, खैबर पख्तूनख्वा का 0.529 एंड बलूचिस्तान का 0.477 है, जिससे ओवरऑल पाकिस्तान का HDI 0.560 है, जो भारत के ओवरऑल HDI 0.647 की तुलना में बहुत कम है। दोस्तों अब एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर पॉवर्टी रेट की बात करते हैं, यानी गरीबी। भारत में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट वाला स्टेट है छत्तीसगढ़, जहाँ का पॉवर्टी रेट करीबन 40% है। यानी छत्तीसगढ़ की 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान का पॉवर्टी रेट करीबन 57% है, यानी बलूचिस्तान की 57% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। वहीं भारत में सबसे कम पॉवर्टी रेट गोवा में है। गोवा का पॉवर्टी रेट 5.1% है, यानी गोवा की सिर्फ 5% आबादी ही गरीबी रेखा के नीचे है। जबकि पाकिस्तान का सबसे कम पॉवर्टी रेट वाला स्टेट है पंजाब, जहां का पॉवर्टी रेट करीबन 25% है। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के सिंध में 34% एंड खैबर पख्तूनख्वा में 27% पॉवर्टी रेट है। दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर का पॉवर्टी रेट 30%+ है। वहीं दिल्ली, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम में पॉवर्टी रेट less than 10% है, जो इन राज्यों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों बात करते हैं मोस्ट रिलीजियसली डाइवर्स स्टेट की। इंडिया में केरला सबसे ज़्यादा रिलीजियसली डाइवर्स स्टेट माना जाता है। केरला में 54.73% हिंदू, 26.56% मुस्लिम, 18.38% क्रिश्चियन एंड 0.33% दूसरे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जबकि पाकिस्तान में सिंध को सबसे ज़्यादा रिलीजियसली डाइवर्स स्टेट माना जाता है, जहां 91.45% मुस्लिम, 7.5% हिंदू एंड अराउंड 1% क्रिश्चियन धर्म फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों सिंध में ही पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी भी रहती है, जहां पाकिस्तान के दूसरे सभी स्टेट्स की पॉपुलेशन में से सिर्फ 1% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है। वहीं सिंध की 7.5% आबादी हिंदुइज्म को फॉलो करती है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन आबादी रहती है। पंजाब की 2.3% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। यहाँ क्लिक कर हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।